नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप भाटिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके सामने हाजिर हूँ इनकम टैक्स से रिलेटेड एक डिस्कशन लेकर के। सेक्शन 234E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक महत्वपूर्ण सेक्शन जिसको कि इंसर्ट किया गया है फीस के संदर्भ में, जो आपके द्वारा लेट फाइल की गई रिटर्न के ऊपर अब लगनी होगी, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज शिफ्टेड फ्रॉम द पेनल्टी रिजीम टू द फीस रिजीम। नाउ शायद यही कारण है कि इस बार हम सब लोग बहुत सतर्क हैं, बड़ी जल्दी जल्दी रिटर्नें भरने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद ये अच्छा भी है कि प्रोफेशनल्स भी इसमें जल्दी फ्री हो जाएंगे और क्लाइंट्स भी, असेसीज भी टाइमली अपनी रिटर्न भर देंगे, तो गवर्नमेंट के लिए भी एक डेटाबेस जल्दी से तैयार हो जाएगा, टैक्स लायबिलिटीज जल्दी कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें सर थोड़ा जल्दी 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 होने की अब प्रक्रिया चल रही है। अब इशू क्या है सर, दो बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला, 234F का इम्पैक्ट। इम्पैक्ट बड़ा क्लियर है सर, यदि आपने अपनी ड्यू डेट क्रॉस करी, अब ड्यू डेट कुड बी 31 जुलाई, कुड बी 30 सितंबर, कुड बी 30 नवंबर, तो जैसे ही आपने असेसमेंट ईयर की आपकी रिस्पेक्टिव ड्यू डेट क्रॉस करी, तो आपके ऊपर 1,000, 5,000, 10,000, तीन में से कोई एक फीस लग सकती है। एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि कब ये फीस नहीं लगेगी, वो मेरा सेकंड डिस्कशन है, मैं उस पर आऊंगा। तो सर सबसे पहले, अगर बाय डिफॉल्ट आपने अपनी ड्यू डेट मिस कर दी 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, आप 5,000 रुपये की पेनल्टी के, पेनल्टी गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, फीस के सब्जेक्ट पर आ गए, यानी बिना फीस पे किए आपकी रिटर्न ही नहीं लेंगे। लॉ ने अब बड़ा क्लियरली बोल दिया है कि आपको फीस भी देनी है सेल्फ असेसमेंट के समय। पहले पेनल्टी देते थे नहीं देते थे वो चलता था, ठीक है, कोई भी खुद से नहीं देता था, डिपार्टमेंट लगाता था तो हम देते थे, तो अब सर फीस तो हमारे को देनी ही पड़ेगी 5,000 रुपये की। कब? जब सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में रिटर्न भरने के लिए मैं लाइबल हूं और मैंने रिटर्न नहीं भरी। यदि मैं 31 दिसंबर निकाल लिया असेसमेंट ईयर का, ध्यान दीजिएगा असेसमेंट ईयर 18-19, इसकी रिटर्न की बाय डिफॉल्ट मान लीजिए मेरी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2018, मैंने 31 जुलाई 2018 के बाद 2 अगस्त 2018 को रिटर्न भरी, मैं 5,000 की फीस दूंगा, लेट्स अज्यूम मेरी टोटल इनकम 7.5 लाख। अगर मैं 31 दिसंबर भी क्रॉस कर गया तो सर 10,000 रुपये है, और निश्चित रूप से असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए 31 मार्च 2019 के बाद तो मैं रिटर्न ही नहीं भर सकता, यानी पहले जो समय सीमा अप टू 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर थी, वो घटा के अप टू एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कर दी गई, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, ऐसे सारे असेसी जिनकी टोटल इनकम, मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा सर, टोटल इनकम यानी आफ्टर रिड्यूसिंग चैप्टर 6 से डिडक्शंस लेने के बाद में ग्रॉस टोटल इनकम में से 5 लाख रुपए तक है, उनके लिए पेनल्टी का क्वांटम 1,000 रुपये मात्र है, ठीक है। और तीन बातें अब क्लियर हो गई, 1,000, 5,000, 10,000। अब एक कैटेगरी वो भी होनी चाहिए जिसके ऊपर ये फीस लगे ही नहीं, तो वो कैटेगरी भी है सर। वो कैटेगरी किस व्यक्ति की है जो 139(1) में रिटर्न भरने के लिए लाइबल नहीं है, पर वो अपनी रिटर्न भर रहा है, वॉलेंटरली भर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे साल की सैलरी है केवल 2,25,000 और मैं रिटर्न भरता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। ये 2.25 लाख की रिटर्न अगर मैं 31 जुलाई के बाद में भी भरूंगा सर, कोई फीस पेएबल नहीं है। तो फीस इस प्रकार से चार तरीके की हुई हमारी, नील, 1,000, 5,000, 10,000। तो इसके हिसाब से हमारे को अपनी रिटर्न की फाइलिंग को ध्यान रखना है कि मेरी रिटर्न कौन सी कैटेगरी में आ सकती है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं, कोशिश तो यही करनी है सर आप नॉन कंप्लायंट ना हो, पर अगर किसी वजह से हैं तो मेरी ये जो डिस्कशन है कि फीस लगेगी नहीं लगेगी, पहला डिटर्मिनेशन, लगेगी तो कितनी लगेगी, 1,000, 5,000, 10,000, ये बातें ध्यान में रखते हुए हमारे को अपनी रिटर्न की कोशिश करनी है। मेरा एक और सजेशन है सर यहाँ पे, दैट सजेशन इज, मान लीजिए आपका 31 जुलाई डेट आ रही है, आपको रिटर्न भरने के लिए प्रॉपर डेटा नहीं मिल रहा है, लेट्स अज्यूम 26 AS में कुछ एंट्री नहीं आई, बहुत सारे लोगों को अभी तक फॉर्म 16 ही नहीं मिल रहा,
तो देखना ये हल्ला तो उठेगा कि गवर्नमेंट कुछ समय सीमा बढ़ाए, और मुझे लगता है क्योंकि पहली बार है तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा जनता को रिलीफ देने के लिए समय बढ़ाना चाहिए। हालांकि ऐसा होगा मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन मान लीजिए समय नहीं बढ़ रहा, आपके पास में 31 जुलाई एंड आ रही है और आपके पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर, एक बार रिटर्न भर दीजिए, कुछ भी डेटा डाल के रिटर्न भर दीजिए, फिर आपके पास में 31 जुलाई के बाद में रिवाइज रिटर्न भरने का टाइम लिमिट है, एंड अ रिवाइज रिटर्न एंटर्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। आप एक रिवाइज रिटर्न करिए और आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज कर लीजिए, ऐसे आपके ऊपर फीस भी नहीं लगेगी और आप किसी प्रकार के गलत रिपोर्टिंग से भी बच जाएंगे, क्योंकि इनिशियली आपने जो चीज़ कम रिपोर्ट करी उसे आपने रिवाइज रिटर्न से करेक्ट कर लिया, तो ऐसी भी चीज़ को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो मुझे लगता है सर ये 234F जो नया सेक्शन आया, मुझे जरूरी था कि मैं एक बार आपकी नॉलेज में इस सेक्शन को लाऊं। यदि आपकी इस पर कोई क्वेरी होगी तो आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप भाटिया चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके सामने हाजिर हूँ इनकम टैक्स से रिलेटेड एक डिस्कशन लेकर के। सेक्शन 234E ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 एक महत्वपूर्ण सेक्शन जिसको कि इंसर्ट किया गया है फीस के संदर्भ में, जो आपके द्वारा लेट फाइल की गई रिटर्न के ऊपर अब लगनी होगी, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज शिफ्टेड फ्रॉम द पेनल्टी रिजीम टू द फीस रिजीम। नाउ शायद यही कारण है कि इस बार हम सब लोग बहुत सतर्क हैं, बड़ी जल्दी जल्दी रिटर्न भरने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद ये अच्छा भी है कि प्रोफेशनल्स भी इसमें जल्दी फ्री हो जाएंगे और क्लाइंट्स भी असेसीज भी टाइमली अपनी रिटर्न भर देंगे, तो गवर्नमेंट के लिए भी एक डेटाबेस जल्दी से तैयार हो जाएगा, टैक्स लायबिलिटीज जल्दी कनेक्ट हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें सर थोड़ा जल्दी 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 होने की अब प्रक्रिया चल रही है। अब इशू क्या है सर, दो बातें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। पहला, 234F का इम्पैक्ट। इम्पैक्ट बड़ा क्लियर है सर, यदि आपने अपनी ड्यू डेट क्रॉस करी, अब ड्यू डेट कुड बी 31st of July, कुड बी 30th of September, कुड बी 30th of November, तो जैसे ही आपने असेसमेंट ईयर की आपकी रिस्पेक्टिव ड्यू डेट क्रॉस करी, तो आपके ऊपर 1,000, 5,000, 10,000 तीन में से कोई एक फीस लग सकती है। एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि कब ये फीस नहीं लगेगी, वो मेरा सेकंड डिस्कशन है, मैं उस पर आऊंगा। तो सर सबसे पहले, अगर बाय डिफॉल्ट आपने अपनी ड्यू डेट मिस कर दी 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर, आप 5,000 रुपये की पेनल्टी के, पेनल्टी गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, फीस के सब्जेक्ट पर आ गए, यानी बिना फीस पे किए आपकी रिटर्न ही नहीं लेंगे। लॉ ने अब बड़ा क्लियरली बोल दिया है कि आपको फीस भी देनी है सेल्फ असेसमेंट के समय। पहले पेनल्टी देते थे नहीं देते थे वो चलता था, ठीक है, कोई भी खुद से नहीं देता था, डिपार्टमेंट लगाता था तो हम देते थे, तो अब सर फीस तो हमारे को देनी ही पड़ेगी 5,000 रुपये की। कब? जब सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 में रिटर्न भरने के लिए मैं लाइबल हूं और मैंने रिटर्न नहीं भरी। यदि मैं 31 दिसंबर निकाल लिया असेसमेंट ईयर का, ध्यान दीजिएगा असेसमेंट ईयर 18-19, इसकी रिटर्न की बाय डिफॉल्ट मान लीजिए मेरी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2018, मैंने 31 जुलाई 2018 के बाद 2 अगस्त 2018 को रिटर्न भरी, मैं 5,000 की फीस दूंगा, लेट्स अज्यूम मेरी टोटल इनकम 7.5 लाख है। अगर मैं 31 दिसंबर भी क्रॉस कर गया तो सर 10,000 रुपये है, और निश्चित रूप से असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए 31 मार्च 2019 के बाद तो मैं रिटर्न ही नहीं भर सकता, यानी पहले जो समय सीमा अप टू 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर थी, वो घटा के अप टू एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर कर दी गई, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, ऐसे सारे असेसी जिनकी टोटल इनकम, मेरे शब्द पर ध्यान दीजिएगा सर, टोटल इनकम यानी आफ्टर रिड्यूसिंग चैप्टर 6 से डिडक्शंस लेने के बाद में ग्रॉस टोटल इनकम में से 5 लाख रुपए तक है, उनके लिए पेनल्टी का क्वांटम 1,000 रुपये मात्र है, ठीक है। और तीन बातें अब क्लियर हो गई, 1,000, 5,000, 10,000। अब एक कैटेगरी वो भी होनी चाहिए जिसके ऊपर ये फीस लगे ही नहीं, तो वो कैटेगरी भी है सर। वो कैटेगरी किस व्यक्ति की है जो 139(1) में रिटर्न भरने के लिए लाइबल नहीं है पर वो अपनी रिटर्न भर रहा है, वॉलंटरली भर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेरे साल की सैलरी है केवल 2,25,000 और मैं रिटर्न भरता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है,
ये 2.25 लाख की रिटर्न अगर मैं 31 जुलाई के बाद में भी भरूंगा, सर कोई फीस पेएबल नहीं है। तो फीस इस प्रकार से चार तरीके की हुई हमारी, नील 1,000, 5,000, 10,000। तो इसके हिसाब से हमारे को अपनी रिटर्न की फाइलिंग को ध्यान रखना है कि मेरी रिटर्न कौन सी कैटेगरी में आ सकती है, और उसके अकॉर्डिंगली मैं कोशिश तो यही करनी है सर, आप नॉन कंप्लायंट ना हो, पर अगर किसी वजह से हैं तो मेरी ये जो डिस्कशन है कि फीस लगेगी नहीं लगेगी, पहला डिटर्मिनेशन, लगेगी तो कितनी लगेगी, 1,000, 5,000, 10,000, ये बातें ध्यान में रखते हुए हमारे को अपनी रिटर्न की कोशिश करनी है। मेरा एक और सजेशन है सर यहाँ पे, दैट सजेशन इज, मान लीजिए आपका 31 जुलाई डेट आ रही है, आपको रिटर्न भरने के लिए प्रॉपर डेटा नहीं मिल रहा है, लेट्स अज्यूम 26 एस में कुछ एंट्री नहीं आई, बहुत सारे लोगों को अभी तक फॉर्म 16 ही नहीं मिल रहा, तो देखना ये हल्ला तो उठेगा कि गवर्नमेंट कुछ समय सीमा बढ़ाए, और मुझे लगता है क्योंकि पहली बार है तो गवर्नमेंट को थोड़ा सा जनता को रिलीफ देने के लिए समय बढ़ाना चाहिए, हालांकि ऐसा होगा मैं गारंटी नहीं देता, लेकिन मान लीजिए समय नहीं बढ़ रहा, आपके पास में 31 जुलाई एंड आ रही है और आपके पास फुल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना सर, एक बार रिटर्न भर दीजिए, कुछ भी डेटा डाल के रिटर्न भर दीजिए, फिर आपके पास में 31 जुलाई के बाद में रिवाइज रिटर्न भरने का टाइम लिमिट है, एंड अ रिवाइज रिटर्न एंटर्स इनटू द शूज ऑफ ओरिजिनल रिटर्न, आप एक रिवाइज रिटर्न करिए और आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न को रिवाइज कर लीजिए, ऐसे आपके ऊपर फीस भी नहीं लगेगी और आप किसी प्रकार के गलत रिपोर्टिंग से भी बच जाएंगे, क्योंकि इनिशियली आपने जो चीज़ कम रिपोर्ट करी उसे आपने रिवाइज रिटर्न से करेक्ट कर लिया, तो ऐसी भी चीज़ को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो मुझे लगता है सर ये 234F जो नया सेक्शन आया, मुझे जरूरी था कि मैं एक बार आपकी नॉलेज में इस सेक्शन को लाऊं, यदि आपकी इस पर कोई क्वेरी होगी तो आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट, थैंक यू वेरी मच।